हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विदेश यात्रा चैनल। मैं हूँ मयूरी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कैनेडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे आज के जो पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं उसमें से सबसे पहला है सेमेस्टर सिस्टम। कनाडा में कितने टाइप के सेमेस्टर्स हैं। दूसरा है स्टडी का फ्लो, किस तरह से पूरा स्टडी का फ्लो होता है एजुकेशन सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट है उसके मार्क्स, किस तरह से आपको मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद आ रहा है क्विज़, आपके जो असाइनमेंट्स है, डिस्कशंस है, लैब्स है और प्रेजेंटेशन है। और लास्ट में अगर आप फेल होते हो तो आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखने। तो आज हम टोटल 5 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं सेमेस्टर के बारे में। तो यहाँ पे 3 सेमेस्टर आते हैं और वो सेमेस्टर को हम इंटेक में भी काउंट करते हैं। तो अगर आपको इंटेक के बारे में पूरा वीडियो देखना है तो यहाँ पे आई बटन पे पूरे कनाडा के जितनी भी इंटेक है उसके बारे में आपको सारी डिटेल्स वहीं पे मिल जाएगी। तो आप एक बार वो भी वीडियो देख लेना ताकि आपको ये भी कवर हो जाए। अब हम बात करते हैं कनाडा के 3 सेमेस्टर के बारे में। सबसे पहला सेमेस्टर है विंटर का सेमेस्टर, उसको जैन इंटेक बोलते हैं, जो चलता है जैन से अप्रैल तक। दूसरा आता है आपका समर, समर इंटेक के अंदर आपका चलता है मई से लेके अगस्त तक। और आता है लास्ट वन इज अ फॉल सेशन, फॉल सेशन के अंदर होता है आपका सितंबर से लेके दिसंबर तक। सितंबर से दिसंबर तक का सेमेस्टर ऐसा होता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स ओवरसीज से कनाडा में पढ़ने आते हैं, तो ये सबसे बड़ा इंटेक होता है। यहाँ पे आपको कोर्सेज वगैरह आपको ज़्यादा मिल जाता है, जो मैंने यहाँ पे वीडियो में आपको बता दिया है, तो वो आप देख सकते हो। अब सेमेस्टर सिस्टम में ऐसा होता है कि इंडियन में जैसे होता है उसी तरह का सेमेस्टर सिस्टम वहाँ पर भी होता है, लेकिन इन बिटवीन जो भी सेमेस्टर होते हैं उसके अंदर आर्ली बेसिस आपके हर एक कोर्सेज को और आपके हर एक क्लासेस को पूरा प्लॉट करके दिया हुआ होता है, ताकि आप इजीली आपको समझ में आए कि पूरे सेमेस्टर का आपके पास कितना सब्जेक्ट्स है, कितने आर आपको काउंट करने हैं, कितनी एग्ज़ाम, कितनी क्विज़ वगैरह सब कुछ होता है, वो आपको यहीं से पता चल जाता है। तो आपके पास 3 इंटेक आती है, 3 सेशंस और सेमेस्टर आते हैं, पूरे साल में आपको कंप्लीट करने रहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं स्टडी फ्लो के बारे में। स्टडी फ्लो इंडिया के जैसे वहाँ पे नहीं होता है, यहाँ का स्टडी पूरा अलग होता है। ये यहाँ के स्टडी के अंदर सबसे पहले आपको क्विज़ आती है, क्विज़ के बाद आपके पास आते हैं प्रेजेंटेशंस जो आपको ग्रुप में करने होते हैं या इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन करने होते हैं। उसके बाद आपके डिस्कशंस होते हैं, काफ़ी स्टूडेंट को कोई भी एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं या कोई एक टॉपिक डाल देते हैं और टॉपिक के नीचे आपको रिस्पॉन्स देना पड़ता है। काफ़ी स्टूडेंट वो क्वेश्चन उसको रेज करते हैं, काफ़ी स्टूडेंट उसके आंसर देते हैं। उस तरह से पूरा आपको पूरे के स्टूडेंट को एक दूसरे के साथ डिस्कशन करना रहता है। एक स्टूडेंट डालता है, दूसरा उसका आंसर करता है, उसके रिलेटेड कनेक्टेड पीयर में आंसर करता है, तो वो डिस्कशन आपके आते हैं। फिर ग्रुप प्रोजेक्ट आते हैं, एक ग्रुप में 2 से लेकर ज़्यादा स्टूडेंट को रख के टीचर्स एक प्रोजेक्ट देते हैं, जिसको हर स्टूडेंट को ग्रुप में मिलकर प्रोजेक्ट करने होते। उसके बाद आती है आपकी एग्ज़ाम्स, एग्ज़ाम भी ऑनलाइन होते, उसमें बहुत कम लिखना होता है, क्विज़ टाइप में होते, एमसीक्यू टाइप की, तो वो एग्ज़ाम होते हैं उसमें एमसीक्यू ही आपको आते हैं और थोड़ा बहुत लिखने का होता है। वो टाइम बेस भी रहती है और 24 आवर की विंडो के बेस पे भी रहती है, तो आपको हर टाइप का एजुकेशन सिस्टम में देखना आएगा। तो मैंने जैसे बताया सबसे पहला क्वीज़, उसके बाद डिस्कशन, फिर आएगा आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम्स, उसके बाद आएंगे आपके असाइनमेंट्स। असाइनमेंट्स ऐसे होते हैं कि आपको वर्ड बेस पे या फिर पेजेस के हिसाब से लिखने पड़ते। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलती हूँ कि अगर आपका बिजनेस मैनेजमेंट है या फिर मार्केटिंग बिजनेस है, तो ये जो सब्जेक्ट है उसके अंदर आपको लगता है कि उसमें प्रोजेक्ट नहीं आएगा, तो आपके पास क्वीज़ आती है और असाइनमेंट आता है। तो क्वीज़ के थोड़े बहुत वेटेज होते हैं और असाइनमेंट के थोड़े बहुत वेटेज होते हैं। तो असाइनमेंट्स होता है उसमें आप उनको लिमिटेशन आपको मिल जाएगी कि आपको 1 से 5 पेजेस के अंदर APA या फिर जो भी रेफरेंस स्टाइल है उसी तरह से आपको पूरा रिपोर्ट बना के लिख के आपको सबमिट करना रहता है। तो ये होता है। अब सबसे बड़ी चीज़ ऐसी होती है कि ये जो पूरी सिस्टम है, वो सिस्टम जब आप कनाडा के अंदर कोई भी कॉलेज में कोई भी एडमिशन्स के लिए एनरोल होते हो, दैट टाइम आपको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड देते हैं, ताकि वो कॉलेज का जो भी एक्सेस होता है वो एक्सेस आप करके आपकी हर चीज़ वहाँ से मिल जाएगी। उसमें देर आर मैनी टाइप्स, ब्लैकबोर्ड भी बोलते हैं उसको, कोई कोई कॉलेज इसको मॉडल्स भी बोलते हैं, और कोई कॉलेज LMS सिस्टम। तो ये अलग अलग कॉलेज का अलग अलग सिस्टम होता है, लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स होते, तो आपको लॉगिन करना रहता है। लॉगिन जैसे आप करते हो तो उसके अंदर आपके आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब्जेक्ट्स, आपका फ़ी स्टेटस, आपके वर्किंग आवर्स होते हैं,
आपकी लोन अमाउंट होती है, आपकी अटेंडेंस होती है। कोविड के टाइम के अंदर ट्यूटर जब भी क्लासेस होते, वो क्लासेस सारे ऑनलाइन कर दी है, तो ऑनलाइन क्लासेस भी अभी आपको मिल जाएंगे, प्री रिकॉर्ड लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे, फिर आपके असाइनमेंट्स, आपके क्विजेस के रिजल्ट्स, ऑल इन वन यही आपके लॉगिन आईडी पासवर्ड में आपको मिल जाएगा। तो ये हमेशा आपके लिए होता है। तो यहाँ पे इंडिया में कैसे होता है कि आपको भी एग्ज़ाम देनी पड़ती है, हार्ड कॉपी में लिखना पड़ता है, सबमिट करना, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि मूडल पे या फिर आपके ब्लैक बोर्ड पे टीचर असाइनमेंट एडवांस में ही अपलोड करके रखते थे, तो आपको डेडलाइन उसकी होती है, उसके हिसाब से आपके असाइनमेंट्स लिख के सबमिट करने रहेंगे, ये होता है। दूसरा ऐसा होता है कि ये जो क्वीज़ होती है, क्वीज़ में ऐसा होता है कि कभी कभी आपका लेक्चर चल रहा है, लेक्चरों को ऐसा लगता है कि भाई लेक्चर ख़त्म हो गया, अब आपकी क्वीज़ लेनी है या फिर आपकी एग्ज़ाम लेनी है। तो इंडिया में एग्ज़ाम का एक पूरा माहौल बनता है, यहाँ पे कोई एग्ज़ाम का माहौल वगैरह कुछ भी नहीं होता। जब जब प्लान किया होता है, क्वीज़ होती है, एग्ज़ाम्स ले लेते हैं, तो उसका वेटेज होता है 10 मार्क्स का होता है, या फिर 10% का होता है, 15% का होता है। तो 10 to 15 क्वीज़ होती है, MCQ बेस होती है, या फिर 1 वर्ड में आंसर लिखना होता है। तो कभी कभी ऐसी भी एग्ज़ाम्स आपकी चल जाती है, तो आपको ऐसा मेंटली प्रिपेयर नहीं होना पड़ता है कि 1 वीक की एग्ज़ाम है या 2 वीक की एग्ज़ाम है तो उसी तरह से आपको पढ़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कभी कभी इन बिटवीन आपके क्वीज़ और ऑनलाइन एग्ज़ाम्स चलती रहती है, और असाइनमेंट्स भी इसी तरह से आपको पूरे सेमेस्टर का दिए गए होते हैं, उसको आपको लिख के जो भी आपके मॉडल की साइट पर होता है उसके ऊपर आपको अपलोड करना रहता है। तो पेन पेपर भी कम हो जाता है, आपको वर्ड में टाइप करके खुद से ही लिख के सबमिट करना रहता है। तो ये था पूरी यहाँ की एजुकेशन सिस्टम के बारे में, कि अगर आप कनाडा जाते हो तो आपको ये सिस्टम पता होनी चाहिए कि इस तरह से आएगा। जैसे इंडिया में होता है ना, 1 महीना पूरा एग्ज़ाम का होता है और उसके बाद छुट्टियां होती, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता, कभी भी एग्ज़ाम्स भी आ जाती है और आपके ऑनलाइन क्विज़ भी आ जाते हैं। तो ये आपको पूरा ध्यान में होना चाहिए कि आप ओवरसीज़ में पढ़ने जाते हो तो इतना स्ट्रक्चर रहेगा, तो आप मेंटली फ्री हो जाओगे कि भाई यहाँ का माहौल ऐसा ही है, तो आप इजीली ये नए कल्चर को एक्सेप्ट और अडॉप्ट कर पाओगे। अब हम बात कर रहे हैं मार्क डिस्ट्रीब्यूशन की। बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा भी पता नहीं चलता है कि मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, इंडिया में कैसे होता है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट की एग्ज़ाम आती है और उसके 35 मार्क्स होते हैं या 40 मार्क्स होते हैं, उसी तरह से उनको पास होना होता है। यहाँ पे आपको 50% यानी हाफ आपको कवर करना ही रहेगा, और काफ़ी सब्जेक्ट में 60% मार्क्स लाने होंगे तभी आप पास हो जाओगे, ये फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया ऐसा होता है कि आपकी क्वीज़ आती है, फिर आपकी एक्टिविटीज़ आती है, डिस्कशंस आते हैं और असाइनमेंट आते हैं, तो सबके अलग अलग मार्क्स आपको कट किए होते हैं। जैसे कि क्वीज़ है तो क्वीज़ का 10% वेटेज हो गया, ऑनलाइन एग्ज़ाम होते तो 25% वेटेज हो गया, असाइनमेंट्स होते हैं तो उसका 30% वेटेज हो गया, तो ऐसे करके पूरे 100% का वेटेज बनता है आपके हर एक एक्टिविटी का। तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार आप ऐसे भी नहीं कर सकते कि आपने क्वीज़ कर दी अब असाइनमेंट्स नहीं करेंगे तो आप फेल हो जाओगे। आपको क्वीज़ का भी वेटेज आपको देखना पड़ेगा, आपके असाइनमेंट का वेटेज भी देखना पड़ेगा, आपकी एग्ज़ाम्स का भी वेटेज आपको देखना पड़ेगा, सभी वेटेज में से आपको एक 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 मार्क्स आपको कवर करने पड़ेंगे, वही रेशियो के हिसाब से आपके 100 में से 50 होंगे तभी आप पास हो जाओगे। तो ये आपको पता होना चाहिए, काफ़ी स्टूडेंट को नहीं पता होता है। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं, हमारे पास भी ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स आए हैं जिन्होंने क्वीज़ नहीं दी होती, बोलते हैं कि 10% का है तो हम क्वीज़ क्यों दें। बट हर जो भी पोर्शन होते हैं आपके जो भी सब्जेक्ट के साथ, कि जितने भी उन्होंने पार्टीशन किए हैं कि कोई सब्जेक्ट में सिर्फ असाइनमेंट्स होते, कोई तो उसका पूरा वेटेज 100% होता है, कोई कोई सब्जेक्ट्स में अकेली लैब होती है तो लैब के अंदर आपको सिर्फ आपके मेजरमेंट लिखने होते तो उसका भी 100% होता है, और कोई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपको क्विज़ भी देनी रहती है, असाइनमेंट्स भी करने होते हैं और लैब भी कंप्लीट करनी होती है, तो तीनों एक जैसे होते हैं, तो तीनों का मिला के आपको 100% मार्क्स बनते हैं, उसी के अंदर आपको तीनों को अटैम्प्ट करने के बाद आपका जो रिजल्ट बनता है वो 50% से ऊपर होगा तभी आप पास होगे, और एल्स वो सब्जेक्ट में आप फेल हो जाओगे। सो ये आपके ध्यान में होना चाहिए कि आपको हर एक पोर्शन को अपियर करना पड़ेगा, अटेंड करना पड़ेगा, कोई एक को स्किप करोगे तो आपके फेल होने के चांसेस 110% बन जाएंगे। तो ये होता है आपके मार्क्स सिस्टम। अब हम बात कर रहे हैं लास्ट पॉइंट जिसका सभी को पता नहीं होता है, और जो भी स्टूडेंट ये मॉड्यूल में और ये फेज में चले जाते हैं उनको काफ़ी दिक्कतें आती हैं, और ये मॉड्यूल है फेल वाला। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि बहुत लेट आते होते हैं और उनको एजुकेशन सिस्टम क्या होती है, असाइनमेंट्स क्या, क्वीज़ क्या, कुछ भी पता नहीं होता है। लेट एडमिशन की वजह से वो लोग कुछ भी नहीं करते हैं तो वो सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाते हैं। कई कई बार लेट एडमिशन की वजह से भी ऐसा होता है, कई कई रूटीन सेमेस्टर्स के साथ भी जो बच्चे होते हैं वो भी फ़ेल हो जाते हैं। तो फेल होते हैं तो उनके पास क्या
क्या चैलेंजेस आते हैं। सबसे पहला चैलेंजेस ऐसा होता है कि फेल होते हैं तो बहुत बार सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि जब नेक्स्ट इनटेक आएगी तभी वो सब्जेक्ट आप ट्यूटर पढ़ाने वाले होते हैं कॉलेज में, तो तब तक ना तो आप जॉब कर पाते हो ना कोई और कोर्स के अंदर एनरोल कर पाते हो, तब तक आपको यही कोर्स के लिए वेट करना पड़ता है और ये आपके लिए लूप वाली सिचुएशन आ जाएगी। यहाँ पर आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल भी बढ़ जाएगा, आपके पास जॉब भी नहीं होती है, तो उसी टाइम पर आपके खर्चे और आपकी नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस के भी फाँफे पड़ जाएंगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि कोई भी सब्जेक्ट का फेल या बैकलॉग नहीं आना चाहिए या रेसिट नहीं आना चाहिए। दूसरा ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि सेमेस्टर के बाद नेक्स्ट टाइम में आपके ट्यूटर आपको बता देंगे कि भाई यही सब्जेक्ट आपको रिपीट करना है बिकॉज ऑफ आपके इतने कम मार्क्स आए तो आप फेल हो गए हो, तो उसी टाइम में अगर नेक्स्ट मंथ में वही सब्जेक्ट का आता है तो आपको उसकी फ़ीस भरनी पड़ती है। अप्रोक्सीमेटली 1500 से 2500 कैनेडियन डॉलर के आसपास आपको वो सब्जेक्ट की फ़ीस भर के पूरा वापस ये सब्जेक्ट अटेंड करना रहता है। तो ये एक हो जाता है जहाँ पे आपको जो 1500 से 2500 जो फीस मैंने बताई कैनेडियन डॉलर वो आपका लॉस हो जाएगा। और नेक्स्ट आता है कि ऐसे सब्जेक्ट होते उसमें बहुत बार आपको वेट करनी पड़ती है और काफ़ी स्टूडेंट फ्रस्ट्रेशन में आके जॉब नहीं कर पाते, तो उसको वहाँ पे उल्टे फुलटे धंधे करने पड़ते, बिजनेस करने पड़ते जो हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। बट काफ़ी ऐसे भी प्रॉब्लम्स आते हैं जिनको फेस करने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं होता, कभी कभी बहुत बड़ा इशू हो जाता है तो उनको वापस इंडिया भी आना पड़ता है और कभी कभी इंडिया से पैसे भी मंगवाने पड़ते हैं। तो फेल वाले चक्कर में मैं तो आपको सही बताती हूँ कि फेल वाले चक्कर में पढ़ो ही मत। आप पढ़ने आए हो, आई अग्री कि आप पढ़ भी रहे हो, जॉब भी कर रहे हो, आपको काफ़ी सारी आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, बट सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। और हमेशा ट्राई करो कि 50% से ऊपर ही आप आपका रिजल्ट कवर कर दो, ताकि ये जो फेल है या फिर आपको रेसिट करना है या फीस भरनी है ये सारे चक्कर में ना पड़ो और अच्छे से आपकी 2 या 3 साल की पढ़ाई करके कंप्लीट से आप आगे निकलो, ताकि आप इजीली आपका वर्क परमिट करो। वर्क परमिट के बाद आपका जैसे पूरा वर्क परमिट कंप्लीट हो जाता है तो आप आराम से पीआर के लिए अप्लाई कर सको, तो आपकी जो भी जर्नी होती है ना वो इजी हो जाती। तो मेरा तो आपको सभी को यही कहना है कि पढ़ने के लिए जा रहे हो, जॉब भी इतनी इंपॉर्टेंट है वहाँ सर्वाइव करने के लिए, बट पढ़ाई सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर उसमें गए तो ये पूरा का पूरा आपका जो भी आपके सिस्टम है ना वो पूरी बिगड़ जाएगी और उसका भुगतना आप सभी को करना पड़ेगा। तो यही था आज के वीडियो में। मैं हूँ मयूरी, साइनिंग ऑफ। जय हिंद।